एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर लिम्स, दिस इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा एलन्स रूल। एलन्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डेफिनेशन के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा एलन्स रूल क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा नीच, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा, तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कि माइकोराइजा क्या होता है और उसका एग्जाम्पल में क्या आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे द स्पेसिफिक इंटरैक्शन इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड न्यूट्रल इज कॉल्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमेंसलिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल ग्रोथ कर्व इज, तो इसका आंसर हो जाएगा dN by dt इज इक्वल्स टू RN। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इंडिविजुअल्स ऑफ वन काइंड एग्जाम्पल वन स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट अ गिवन टाइम फॉर्म ए और एन, तो इसका मतलब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, नीच ओवरलैप्स इंडिकेट्स शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, अमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर्स इज अनअफेक्टेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, अपॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स डैट वुड बी स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर्स, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इट विल इंक्रीज, ऑफकोर्स बढ़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट पैरामीटर्स आर यूज फॉर टाइगर सेंसस इन कंट्रीज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, तो इसका आंसर हो जाएगा पग मार्क्स एंड फेशियल पैलेट। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टोलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरीथर्मल। द सैलिनिटी मेजर इन पार्ट्स पर 1000 इन द सी 30 to 35, इसका आंसर हो जाएगा। डैश रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, तो नेटालिटी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द लॉजिस्टिक्स ग्रोथ कर्व द फाइनल फेज इज अ, तो इसका आंसर हो जाएगा असिम्प्टोट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश फिश ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो पैसिफिक सैल्मन जो होती है अपने पूरे लाइफ टाइम में यानी कि पूरे जीवन काल में एक ही बार ब्रीड करती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।